अगर आपकी भी दाढ़ी नहीं आ रही है और आप बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हो, तो आपको बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, इसका खर्चा कितना होता है और ये कैसे किया जाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखो, दाढ़ी उगाने के लिए सभी लोग ट्राई करते हैं, बट किसी की आती है, किसी की नहीं आती है। वो अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाता या फिर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ करता है जिसके बाद से उसकी दाढ़ी नहीं आती है। फिर एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि यार क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट ही करा लें। तो बहुत से लोग इसको भी कराते हैं, दाढ़ी में नए बाल लग पाते हैं। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मतलब अपनी ही बॉडी में से बालों को निकाल के दाढ़ी में लगवाना। तो पहले हम जानते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जब आप जाओगे, अगर वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो आप उनसे जाके बात करोगे, वो आपकी बियर्ड को देखेगा कि उसमें आपके कितने हेयर्स लगेंगे, उसके बाद वो शेप बनाएगा आपको किस टाइप की दाढ़ी उगाना है। यानी आपके दाढ़ी के बाल जहाँ पे है वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो उगाने के लिए पहले मार्क करेगा कि आपके दाढ़ी का शेप क्या है। उसके बाद आपकी बॉडी में से वो पूछेगा कहाँ से आपको हेयर्स निकलवाने हैं। तो आपके कहीं के भी बाल आप निकलवा के आपकी दाढ़ी पर आप लगवाना चाहते हो तो फिर वो वहाँ से पहले बालों को निकालेंगे, फिर उनको इकट्ठा करेंगे, फिर आपको आईसीयू रूम में ले जाया जाएगा या फिर जहाँ पर ट्रीटमेंट्स होता है वहाँ पर ले जाया जाएगा। इसके बाद आपके दाढ़ी में होल्स कर करके उन बालों को लगाया जाता है, जैसे कि खेतों में धान लगाई जाती है, पटा पटा के लगाए जाते हैं। यानी आपके दाढ़ी में पहले होल्स करते हैं, उसके बाद उसमें बाल डालते हैं। बाल डालने के बाद वो हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगर आप अच्छी हॉस्पिटल में जाते हो तो 4 से 8 घंटे के बीच में आपके हेयर ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। फिर हम जानते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ती है, इसका खर्चा कितना आता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो उसका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपके जान पहचान के डॉक्टर हैं या फिर मीडियम आप खर्चे की बात करें तो 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक का खर्चा आपको देखने को मिलता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने में। बट आपको तभी कराना चाहिए जब आपकी एज मीडियम हो। अगर आपकी ज़्यादा ही एज हो चुकी है, आप 50 साल से ऊपर हो चुके हो, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी एज कम है तो आप दाढ़ी के बाल भी ट्रांसप्लांट करा सकते हो, आपके सिर के बाल भी ट्रांसप्लांट करा सकते हो, अगर आपकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है तो। फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि अगर ये हेयर ट्रांसप्लांट हमने करा लिए तो क्या ये हमेशा तक के लिए रहेंगे। देखो, इसमें ये कंडीशन होती है कि जब आपके हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं उसके 3 महीने तक आपके जितने बाल झड़ने होते हैं उतने बाल झड़ जाते हैं। यानी जो बाल लगते हैं वो लग जाते हैं और जो बाल नहीं लगते हैं वो दोबारा से झड़ जाते हैं। और झड़ने के बाद 3 महीने बाद आपको पता चलता है कि आपकी दाढ़ी कितनी आ चुकी है और कितने बाल लग चुके हैं। अगर नहीं लगे तो आपके पैसे फालतू चले जाएंगे, अगर लग गए तो आपकी दाढ़ी आ जाएगी। फिर इस पर भी कंडीशन आती है कि अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम्स है या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या फिर आपके फेस का बैठकर सर्कुलेशन कम है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपकी दाढ़ी के बाल झड़ने लग जाते हैं। यानी जो आपको पहले की प्रॉब्लम है अगर वो कंटिन्यू रही तो फिर आपके दाढ़ी के बाल नहीं टिक पाएंगे, वो दोबारा से झड़ जाएंगे, तो आपके पैसे वेस्ट होने की नौबत आ सकती है। देखो, गरीब लोग तो इसको कराने में भाई वो बहुत इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। 80,000 रुपये कौन देगा बालों की ग्रोथ करने के लिए, तो वो पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल सकता है। बट बहुत से लोग दाढ़ी के शौकीन है और दाढ़ी को लुक रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अब इसके हम साइड इफेक्ट की बात करेंगे, आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखो, बहुत से बाल आपके पक सकते हैं, यानी आपके जो होल्स करके बाल निकाले जाते हैं, बालों को लगाया जाता है, वहाँ पर बाल पक सकते हैं। और बहुत से लोगों के जो है वो ब्लड भी निकल सकता है, कभी भी निकल सकता है, क्योंकि वो हेयर्स है ना ऊपर रहते हैं, तो अगर वो हेयर्स निकल जाए तो उसके अंदर ब्लड निकलता है, तो ये आपको थोड़े से साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी आपको टर्म एंड कंडीशन दी जाएगी, यानी सावधानी रखने के लिए दी जाएगी, आप आपके दाढ़ी को ज़्यादा वॉश ना करें। 1 वीक या 2 वीक तक तो आपको फेस वॉश करने के लिए भी रोका जाएगा ताकि जो बाल आपके लगाएं वो बाल लग जाएं। तो भाई, अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोच रहे हो तो आप सोच समझ के हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, खास करके बीएड को लेके, क्योंकि बीएड को आजकल लोग ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं और कम एज के बच्चे भी उगाना चाहते हैं। बहुत से लोग बीएड हेयर ट्रांसप्लांट भी करा रहे हैं। तो भाई, जो मुझे पता था, मेरा जितना नॉलेज था, मैंने आपको सबको दे दिया और यही सही नॉलेज है आप सभी के लिए। अगर आप भी आपके बीएड के हेयर्स को ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो पहले आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, इसके बाद आप आपके बीएड के हेयर्स को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। आइए, अब ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।